हेलो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन 8 और 9 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो इन द गिवन फिगर नेम ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। द लाइन्स कॉन्करेंट एट पॉइंट ए, तो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए 3 लाइन्स पास करते हैं। ये लाइन एन, ये लाइन एम और ये लाइन आर। तो ये 3 लाइन इस पॉइंट में मीट करते हैं। तो यहाँ जो लाइंस कॉन्करेंट है हम लोग लिखेंगे एन, एम और आर, ऐसे लिखेंगे। ऑल द सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। तो ये देखिए ए, एफ, बी ऐसे, देन ए, ई, सी, बी, डी, सी, देन बी, जी, ई, एफ, जी, सी, ए, जी, डी। तो हमारे ये 6 सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स हुए। और एक बार देखिए ए, एफ, बी, ए, ई, सी, सीक्वेंस में जाने से आप लोगों के लिए इजी रहेगा। बी, डी, सी ऐसे, देन बी, जी, ई, एफ, जी, सी, ए, जी, डी ऐसे। मैं इसको कॉपी में भी लिख के दिखाऊंगी आंसर्स। द लाइन्स कॉन्करेंट एट पॉइंट जी, तो पॉइंट जी में देखिए ये पॉइंट है, तो 3 लाइन मीट करते हैं। तो ये जो लाइन है ये क्यू लाइन है, देन ये जो लाइन है ये लाइन आर है, और ये जो लाइन है ये लाइन पी है। तो पी क्यू आर लाइन आप लिख लीजिए। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स एल, पी एंड एम, तो यहाँ देखिए एल, पी, एम है। और बहुत इजी है ये फाइंड आउट करना। ये 3 लाइन पॉइंट सी में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट सी होगा आंसर। ऑल द पॉइंट्स दैट लाई इन दिस प्लेन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए, एफ, बी, डी, सी, ई, जी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स है। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो आप इनमें से बहुत सारे लिख सकते हैं। सिंपल है, देखिए एल पी है, पी एम है, एल एम है, ये 3 ऑप्शंस है। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा लाइन एल है, तो एल क्यू है, एल एन है, क्यू एन है, ये 3 भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और ये भी 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एल आर ऐसे। और ये देखिए ये 2 लाइंस जो है क्यू पी, ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। देन पी और आर, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो बहुत सारे इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, आप उनमें से बस 2 पेयर्स को लिख दीजिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो नेम द लाइंस कॉन्करेंट एट डी एंड बी। मैं ये एक्सप्लेन करके फिर इसके आंसर्स कॉपी में दिखा दूंगी आप लोगों को। लाइंस कॉन्करेंट एट डी एंड बी, तो ये पॉइंट डी है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से लाइन पास करते हैं, एल, एम और एन। तो डी पॉइंट में एल, एम और एन लाइंस कॉन्करेंट है। और बी पॉइंट में देखिए ये जो लाइन है ये एल है, और ये जो लाइन है आर है। तो आर, एल और ये लाइन क्यू है, तो आर, एल और क्यू लाइंस जो पॉइंट बी है वहाँ पर कॉन्करेंट है। देन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ लाइंस ए डी, ए बी एंड ए सी, तो ये देखिए ये ए डी है, ये ए बी है और ये ए सी है। तो कहाँ पे ये 3 लाइन कॉन्कर कर रहे हैं या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इनका यहाँ पे है पॉइंट ए में। कॉन्कर कर रहे हैं मतलब मीट कर रहे हैं कहाँ पे, तो ये तीन लाइन पॉइंट ए में मीट कर रहे हैं, तो आप ए लिख सकते हैं या पॉइंट ए लिख सकते हैं। मैं अभी इनके आंसर्स आप लोगों को कॉपी में दिखा दूंगी। तो इसका आंसर जो हम लोग डिस्कस किए उसको थोड़ा देख लीजिए। तो ये सारे आंसर्स हैं। और इनमें से मैं बहुत सारे ऑप्शंस दी हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस के, जस्ट 2 पेयर से लिखे, यानी इसको और इसको लिखिए, नहीं तो इसको और इसको लिखिए, ऐसे सब कुछ मत लिखिए। और ये क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर्स हैं जो हम लोग डिस्कस किए। तो ये हमारा वर्कशीट 1 ख़त्म होता है।